IPL 2019 में आपकी फेवरेट टीम्स, प्लेयर्स और सभी मैच के डिटेल्स के बारे में जानने के लिए हमारे साथ बने रहे और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। IPL 2019 के एलिमिनेटर मैच में दिल्ली कैपिटल्स का सनराइजर्स हैदराबाद से मुकाबला हुआ। दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। सनराइजर्स हैदराबाद की पारी के अंतिम ओवर की चौथी गेंद पर दीपक हुड्डा ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले पर नहीं लगी। इसके बाद उन्होंने बाई में रन दौड़ने की कोशिश की। उनके रन लेने के बीच में गेंदबाज कीमो पॉल आ गए और ऋषभ पंत का थ्रो विकेट पर लग गया। गेंदबाज के बीच में आने की वजह से अंपायर ने कप्तान श्रेयस अय्यर से पूछा तो उन्होंने अपील वापस लेने का फैसला किया। कप्तान श्रेयस अय्यर के अपील वापस लेने के बाद अपनी फील्डिंग की जगह पहुंच चुके थे, लेकिन इसके बाद ऋषभ पंत ने इस पर आपत्ति जताई। उन्होंने अय्यर को वापस बुलाकर बल्लेबाज को आउट लेने की बात कही। इसके बाद अय्यर ने भी अपना मन बदल लिया और अंपायर ने बल्लेबाज को आउट दे दिया। कप्तान अय्यर ने खेल भावना दिखाते हुए अपील वापस ली, लेकिन ऋषभ पंत ने खेल भावना के खिलाफ जाकर कप्तान को विकेट लेने के लिए मजबूर कर दिया। अगर आपको ये न्यूज पसंद आई तो लाइक और शेयर करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इंडिया ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।